हैदराबाद के राजभवन में राज्यपाल तमिलसाई द्वारा आयोजित महिला दरबार को विशेष जन प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस मौके पर भारी संख्या में राजभवन पहुंची महिलाओं ने अपनी समस्याएं गवर्नर को सुनाई। महिला दरबार में भाग लेने राजभवन पहुंची महिलाओं से राज्यपाल तमिलसाई ने व्यक्तिगत रूप से महिलाओं से मिलकर बातचीत की। महिलाओं की समस्याओं को सुनकर राज्यपाल ने उनकी समस्याओं का निश्चित रूप से परिष्कार करने का आश्वासन दिया। इसी संदर्भ में राज्यपाल ने बताया कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए महीने में एक बार प्रजा दरबार का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल तमिलसाई ने कहा कि तेलंगाना राज्य के लिए ही मैं काम कर रही हूँ और मैं सदा महिलाओं के साथ रहूंगी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। लगभग एक घंटे तक चले इस कार्यक्रम में लगभग 300 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर कई महिलाओं ने राज्यपाल को बताया कि राज्य में बलात्कार की घटनाएं काफी बढ़ गई है। महिला दरबार में भाग ली महिलाओं ने राज्यपाल से बताया कि महिला दरबार का आयोजन करना बड़े प्रसन्नता की बात है। हमारी समस्याओं को बताने के लिए यह दरबार काफी उपयोगी है। I don't know because it will be deviated, this, that and all. Everyone knows what is happening for the Rajbhavan and the constitutional office. It's an open secret. Everyone knows. So I don't want again dig what is that, what is this. I want some solution to the problems of Mahila who are all suffering. You would have seen. Would have seen within 24 hours if we are getting 500 more than calls, we are unable to more than 500 we are unable to segregate and now but nobody will be ignored, everyone will be taken care. So officers and other we had a pakka arrangement. I don't want to comment on that. The work they should do they are not doing, then they wanted added responsibility. Let them do what all the work they are assigned for. Then they complete it. Then they get it. At least they should know there are governors to share the responsibility because no governor, all governors are educated. And for example, I was an assistant professor. I know everything about academics. And I have conducted, even during the corona period, I'm very proud. हैदराबाद में सनसनी फैलाने वाली नाबालिग दुष्कर्म की घटना प्रतिदिन एक नया मोड़ लेती जा रही है। पहले ही पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले से कुछ राजनीतिक नेताओं ने बच्चों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है कहकर आलोचनाओं का बाजार तेज है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले की जांच एवं पूछताछ प्रक्रिया आरंभ करने की घोषणा कर चुका है। अब ताजा तौर पर और एक राष्ट्रीय संस्था ने इस मामले में हैदराबाद जिला कलेक्टर को नोटिस भेजा है। सामूहिक बलात्कार से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश देते हुए कलेक्टर को उस संस्था ने नोटिस जारी किए है। NCPCR से नोटिस प्राप्त किए जिला कलेक्टर ने इस घटना पर संपूर्ण जानकारियां रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग करते हुए जुबली हिल्स पुलिस को पत्र लिखा है। पुलिस द्वारा इस मामले से संबंधित पूरी जानकारी मिलने के बाद हैदराबाद जिला कलेक्टर उन जानकारियों को NCPCR को भेजेंगे। हजरत मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणियों और विवाह खड़े कर रहे आज शुक्रवार की प्रार्थना के संदर्भ में मुस्लिम लोगों ने मस्जिदों के पास भारी विरोध प्रकट किए। इतना ही नहीं, चारमीनार के मक्का मस्जिद के पास भी आंदोलन आयोजित किया। इस संदर्भ में मस्जिद से नमाज अदा कर बाहर आने के साथ ही लोगों ने विधायक राजा सिंह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस नारेबाजी को देखते हुए पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया, फिर भी आंदोलनकारी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद कहकर मुस्लिम युवकों ने नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने आजादी कहते हुए बड़े पैमानों पर नारे लगाए। इन परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर पुलिस ने चारमीनार के पास भारी सुरक्षा बंदोबस्त एवं विशेष पुलिस बलों को तैनात किया था। मैं मुसरम्बा के पूरे नौजवान मोहल्ला का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप तमाम लोग जो अपने नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए, जो कोई भी आज नुपुर शर्मा को की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे सरकार के शान में गुस्ताखी कर दी, उसको अरेस्ट करना बोल के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कंप्लीट मलकपेट पुलिस स्टेशन का कोऑपरेट है और हम भी उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे को क्लियर टाइटल है
उसको अरेस्ट करो, फांसी की एटलीस्ट सजा होना, और कंप्लेंट दी है इससे पहले भी, वो बदजनवर है, कुत्ते का बच्चा, वसीम रजवी भी इससे पहले कुछ बहुत कुछ बोला, जब भी हम लोगों कंप्लेंट दिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, आज फिर एक कंप्लेंट दे रहे हैं। मेरी अदमन गुजारिश है हमारे ACP साहब से, हमारे मलकपेट PS के CI साहब से, पूरा भरोसा है, ये कंप्लेंट प्लीज़ रेस करो साहब, प्लीज़ रेस करो, ये कंप्लीट इसको अरेस्ट करो एक बार हमारे लिए, एक बार हमारे लिए। ये नुपुर शर्मा जबान उठा के तारक को लगा दी, हमारे नबी की शान, हमारे को कुछ भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पुलिस एवं पुलिस की लाठियां और जेल से डरने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि KCR शासन के दिन अब करीब आ गए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की सत्ता संभालकर 8 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में मेरचेल मलकाजगिरी जिले में आयोजित एक सभा में उन्होंने भाग लिया। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश बीते 8 वर्षों में काफी प्रगति हासिल किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अपमान करने वाले अनेकों पार्टियों आज लुप्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि धारा 370 को रद्द करने का श्रेय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जाता है। इसके साथ ही 3 तलाक जैसे अनेकों कानूनों को तैयार कर देश की जनता को सुख संतोष वाला प्रशासन उपलब्ध कराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इस मौके पर बंडी संजय ने केंद्र सरकार के विविध कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी। ఈ దేశం ప్రజలందరూ కూడా ఏ విధంగా సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి ఫలాలు దాని మీద రాష్ట్ర విషయాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర సమాజానికి తెలియజేయాల ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నాము. భారతీయ జనతా పార్టీకి విలక్షణమైన పార్టీ అని భారతీయ జనతా పార్టీ ఇతర పార్టీలకు భారతీయ జనతా పార్టీకి తేడా ఉంటుంది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, అత్యధిక సభ్యత్వం అత్యధిక మంది కార్యకర్తల పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, ప్రపంచంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో కార్యకర్తల పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि राज्य में आगामी दिसंबर माह में चुनाव आ रहे हैं और जून जुलाई माह में राज्य की सत्ता पर कांग्रेस की सरकार काबिज होगी। विकाराबाद जिले के परगी शहर में कांग्रेस पार्टी के डिजिटल सदस्य अभियान के मौके पर डिजिटल कार्ड का रेवंत रेड्डी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कमजोर, गरीब, निचले तबके के लोगों को तथा आंदोलनकारियों को सही सम्मान मिलना हो तो यह कांग्रेस पार्टी के शासन से ही संभव है, कहकर रेवंत रेड्डी ने जनता से आग्रह करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से सत्तासीन करे। राहुल गांधी गारिनि ईडी ऑफिस को रमन, आयन अंटे वयसुलो उन्नाडु पिल्लगाडु एडकैना पोतडु अवसरम अयिते एक्की गोडलु दुंकुताडु, कानी सोनिया गांधी गारिनि कूडा पेद्द मनिषिनि रेंडु सार्लु प्रधानमंत्री अवकाशं वस्ते तीसुकोलेदु, राष्ट्रपति अवकाशं वस्ते तीसुकोलेदु, मेधावुलनु चदुवुकुन्नोल्लनु पेदोल्लनु प्रधानमंत्रुलनु केंद्र मंत्रुलनु राष्ट्रपतुलनु चेसि ई देशं योक्क अभ्युन्नति कोसं ఏ దేశంలో పుట్టినా ఈ దేశంలో కోడలికి వచ్చి ఆ కుటుంబ గౌరవాన్ని, దేశ గౌరవాన్ని తల నిండా కొంగు కప్పుకొని కుటుంబ గౌరవాన్ని, దేశ గౌరవాన్ని ప్రపంచం ముందు నిలబెట్టిన సోనియా గాంధీ గారిని ఇవాళ ఈడీ ఆఫీస్ కి మునా కొట్టుకులు పిలిచి సోనియా గాంధీ గారిని అవమానించాలని కుట్ర చేస్తున్నారు. कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने राज्यपाल तमिलसाई द्वारा आयोजित महिला दरबार की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में राज्यपाल की प्रजा दरबार सभा संपन्न हुई है। इस मौके पर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जब राज्यपाल जिलों के दौरे पर गई थी उस समय जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित नहीं हुए। जग्गा रेड्डी ने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले जिला कलेक्टर तथा SPOs के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इन परिस्थितियों में अब महिला समस्याओं को लेकर गवर्नर उनकी समस्याएं किस प्रकार से दूर करेंगे, कहते हुए उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह एक नाम मात्र का दरबार था,
इससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं नहीं, गवर्नर जो बात बोली, क्या बात बोली, मेरा कहने आके दरखास्त दो, कोई तकलीफ रहे तो मैं आपको बचाऊंगा। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, गवर्नर जी आप अगर आप कोई आ गया आप दरखास्त दिए आप बचाना के जो आवाज़ दिए, खुद को आपको जो प्रोटोकॉल के लिए कोई सामने नहीं आ रहे वो ले उनके ऊपर आप तक एक्शन नहीं लिए। आप चीफ सेक्रेटरी को हाँ बोल के बुलाते, चीफ सेक्रेटरी आप कहने नहीं आते। अगर डीजी को फोन कर तो डीजीपी आपका गवर्नर बंगला को नहीं आते, किससे एक्शन ले लेंगे आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गवर्नर जी को जो दरबार है वो कोई एक्शन होने वाला नहीं, मगर बीजेपी के लिए काम तो होता। महिला कांग्रेस के नेताओं ने जुबली हिल्स पर दुष्कर्म मामले को लेकर राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन से मिले। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी, राज्य के पूर्व मंत्री गीता रेड्डी, पूर्व विधायक उत्तम पद्मावती, निर्मला जग्गा रेड्डी, सुनीता राव आदि राजभवन में राज्यपाल द्वारा आयोजित किए गए महिला दरबार कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की। प्रजा दरबार के अंतर्गत महिलाओं के लिए महिला दरबार का राज्यपाल द्वारा आयोजित करने पर महिला कांग्रेस के नेताओं ने इस आयोजन का सराहना करते हुए स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए बताया कि राज्य में महिलाएं नरक भोग रही हैं। उन्हें कहा कि नाबालिग कन्याओं पर लैंगिक प्रताड़ना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि इतनी सब घटनाएं होने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री इन विषयों में क्यों अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రంలో ఉంటూ కూడా ఆయన నోరు తీగ ఇప్పకుండా మాట్లాడకపోవటం, ఇవన్నీ మీరు గమనిస్తే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే దిక్కులేని పరిస్థితి అనేది ఇవాళ గవర్నర్ గారి మహిళా దర్బార్లో అది కూడా రుజువు అవటం జరిగింది. అందుకే గీతారెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ గవర్నర్ గారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చాము. లా అండ్ ఆర్డర్ టోటల్ ఫెయిలియర్. ప్రజాస్వామ్య విధానాల్లో మహిళా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళని ప్రివెంటివ్ అరెస్టులు చేయటం, ఈ నాలుగు రోజుల్లో 5 సార్లు వాళ్ళని గిరఫ్తార్ చేయటం, పోలీస్ స్టేషన్లకి లాక్కెళ్ళటం, చెప్పిన ఎఫ్ఐఆర్లు రిజిస్టర్ చేయకపోవటం, పైగా అన్నీ చేసిన తర్వాత రాత్రంతా రామాయణం విని ఇవాళ హోమ్ మినిస్టర్ గారు మాకు చాలా మంచి అడ్వైస్ ఇచ్చారు. మేమంటే మా పిల్లల్ని అదుపులో పెట్టుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటేనే వాళ్ళకి రక్షణ, అంటే బయటకు వస్తే వాళ్ళు బాధ్యులు కాదు అని వాళ్ళు చెప్పటం. రాజ్భవన్ మే రాజ్యపాల్ తమిళసాయి సౌందర్యరాజన్ ద్వారా ఆయోజిత్ మహిళా దర్బార్ కో లేకర్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ మే ఉటి ఆంతరిక్ ఖల్బలి కే సాత్ పార్టీ నే అప్నీ భడాస్ నికాలి హై. పిఆర్ఎస్ పార్టీ కే విధాయక్ కేవి వివేకానందా నే రాజ్యపాల్ తమిళసాయి కే మహిళా దర్బార్ పర్ బహుత్ హీ తీఖీ టిప్పణియాం కీ. उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा आयोजित प्रजा दरबार नहीं वह राजनीतिक दरबार है कहकर इस आयोजन को आलोचना की। इस मौके पर विवेकानंद ने कहा कि गवर्नर व्यवस्था को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए बताया कि राज्यपाल द्वारा लक्ष्मण रेखा पार करने के बावजूद भी हम काफी सहनशीलता के साथ रह रहे हैं। गवर्नर राजकीते वारी बीजेपी पार्टी वेस्ट बेंगाल తమిళనాడులో లేదు, తెలంగాణలో లేదు, కాబట్టి ఏదో రకంగా ఇరుక్కుని పెట్టి చాలా అంటే చాలా చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు కేంద్రం నుంచి మాకు న్యాయంగా రావాల్సినటువంటి నిధులని ఆపుకుంటూ హక్కులని మా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క హక్కులను కాలరాస్తూ మరి ఎన్నో విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క పొలిటికల్ దర్బార్. కాబట్టి సరే వారి యొక్క విజ్ఞతకి ఏమి వదిలి పెడతా, మాకు రాజ్యాంగం పైన గౌరవం ఉంది, గవర్నర్ అంటూ గౌరవం ఉంది, ఈ గౌరవము వారి గౌరవం వారు కాపాడుకోలేకపోతా ఉన్నారు అని స్పష్టంగా నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. భారతీయ కమ్యూనిటీ పార్టీకి రాష్ట్రీయ సచివ్ నారాయణ్ నే రాజ్యపాల్ తమిళసాయి సౌందర్యరాజన్ ద్వారా ఆయోజిత్ మహిళా దర్బార్ పర్ అప్నే ఆలోచనాం కీ బర్సాత్ కీ. राज्यपाल के महिला दरबार पर टिप्पणी करते हुए नारायण ने कहा कि अब महिला दरबार की बुनियाद बन गई है. उन्होंने कहा कि अब राज्यपाल अपनी जिम्मेदारियों से हटकर अपने प्रभाव को दिखा रही है कहकर नारायण ने अपनी बात स्पष्ट की. आम विधान अभी स्पष्ट अर्थम दाखिल
కేవలం కేసీఆర్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వైఖరి వల్లనే తెలంగాణ గవర్నర్ ప్రజా దర్బారు విజయప్రదం అయి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడైనా అర్థం చేసుకోవాలా, మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని క్షుణ్ణం చేసి ప్రతిపక్ష పార్టీ కారణకుండా చేసి సమస్యలు రిలేజ్ చేసుకుంటా పోతే సమస్యలను ఎదుర్కొనే ఏదో ఒకసారి రావాలి కాబట్టి. मीरपेट मुख्य सड़क मार्ग पर तनाव का वातावरण छा गया. यहां एनएसयूआई के नेताओं ने शिक्षा मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी के काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया. इस दौरान एनएसयूआई के नेताओं ने शिक्षा मंत्री से मांग की कि राज्य में आयोजित होने वाली टेट परीक्षा को स्थगित किया जाए. एनएसयूआई के नेताओं ने मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया था. इस दौरान सबिता इंदिरा रेड्डी ने उन्हें मौका दिए बिना अपने काफिले में रवाना हो गई, जिससे एनएसयूआई के नेताओं ने मंत्री के काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया. इस संदर्भ में पुलिस ने रंगारेड्डी जिला एनएसयूआई अध्यक्ष विष्णुवर्धन रेड्डी सहित अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस थाना भेज दिया. राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निर्देशक श्रीनिवास राव ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि इस समय मौसमी बीमारियों का दौरा है, इस कारण लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रीनिवास राव ने जनता को कई दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जो लोग पहली खुराक और बूस्टर डोज नहीं लगवाए वे लोग अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवा ले. उन्होंने जन सामान्य को आगाह करते हुए कहा कि जो लोग अपने बच्चों को कोरोना रोधी टीके की खुराक नहीं दिलवाए हैं वह अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाए. विशेषकर जीएचएमसी परिधि में रहने वाले सरकारी तथा निजी विद्यालयों के बच्चों को अनिवार्य रूप से टीके की खुराक देने का उन्होंने सुझाव दिया. स्वास्थ्य निर्देशक ने बताया कि बच्चों को तुरंत कोरोना रोधी टीके की खुराक दिलवाई जाए. बारिशों का मौसम करीब आने के मद्देनजर उन्होंने लोगों को काफी सतर्क रहने की हिदायत दी. अवकाश उंटदी दीनतो पाटु एस्पेशियली सीजनल डिजीज संबंधी अंड इदी जीएचएमसी परिधिलो एस्पेशियली हैदराबाद लो मनम डेंगी केसुल संख्या मनम कोंचेम पेरुगुदल चूस्तुन्नाम. ई पेरुगुदल कोंचेम एक्कुव संख्यलो मनम चूस्तू उन्नाम. 2019 लो मनम डेंगी आउटब्रेक चूडटं जरिगिंदी. सो इप्पुडु इनिशियल इंडिकेशन्स वच्चेसेसि कोंचेम केसेस संख्या సో అదే లైన్లో మనం వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అన్ని జిల్లాల డిఎంహెచ్ఓస్ తర్వాత మలేరియా యూనిట్స్ అన్నింటి కూడా ఈ వెక్టర్ బోర్న్ డిసీజ్ యూనిట్స్ అన్ని కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎస్పెషలీ జిహెచ్ఎంసీ అలాగనే పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంటు ఇతర లోకల్ బాడీస్ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్తోని ఈ వెక్టర్ బోర్న్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటున్నాం. ప్రజలు కూడా ఎస్పెషలీ ఈ దోమల ద్వారా డెంగీ మనకి వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్న ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కడ నీరు నిల్వ లేకుండా చూసుకోవటం దాంతోపాటు మీ हैदर नगर डिवीजन परिधि में जलवायु विहार भाग्यनगर फेज टू कॉलोनी में शहरी प्रगति कार्यक्रम का भव्य रूप से आयोजन किया गया. इस अवसर पर पार्षद नार ने श्रीनिवास राव ने कार्यक्रम में शामिल होकर शहर में जारी विकास कार्यों का जायजा लिया. इस अवसर पर उनके साथ जीएचएमसी के अधिकारी भी साथ थे. इस अवसर पर नार ने श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर की विशेष दिलचस्पी के कारण हैदराबाद नगर हरित शहर के रूप में स्थापित हुआ है. उन्होंने कहा कि हरिताहारम शहरी प्रगति कार्यक्रम के द्वारा हैदराबाद नगर में काफी विकास हो रहा है. शहरी प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत कॉलोनी में उत्पन्न हुई समस्याओं का स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के संबंधित अधिकारी उनका परिष्कार कर रहे हैं. यह जनता के लिए बहुत ही लाभकारी कार्यक्रम है. विवेकानंद नगर डिवीजन परिधि के बाग अमीर कुमरी बस्ती यादव बस्ती में शहरी प्रगति कार्यक्रम का पार्षद माधवराम रोजा देवी रंगाराव ने निरीक्षण किया. इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने पार्षद की दृष्टि में विद्युत स्तंभों विद्युत वायरों ड्रेनेज सीसी सड़कों सहित अन्य कई समस्याएं व्यक्त की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कॉलोनी वासियों द्वारा जिन विषयों से अवगत कराया गया है उन विषयों को वे विधायक आरिकेपुड़ी गांधी के समक्ष रखकर इन सभी समस्याओं का परिष्कार कर स्थानीय वासियों को इन समस्याओं से राहत दिलाएंगे. पार्षद ने कहा कि शहरी प्रगति कार्यक्रम अपने शहर के संपूर्ण विश्वास के लिए आयोजित एक वृहद कार्यक्रम है. कुतबुलापुर में शहरी प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत किन किन समस्याओं का परिष्कार किया गया है कहकर पूर्व विधायक श्रीशलम गौड़ ने सवाल किए. उन्होंने वर्तमान विधायक से कहा कि शहरी प्रगति कार्यक्रम के द्वारा कितनी विधायें क्षेत्र के लिए आए हैं इस बात की चर्चा के लिए तैयार रहने की उन्होंने विधायक श्रीशलम गौड़ को चुनौती दी.
पूर्व विधायक श्रीशैलम गौड ने कहा कि पूर्व में आयोजित शहरी प्रगति कार्यक्रम द्वारा जो आवेदन पत्र स्वीकार किए गए थे उनका परिष्कार अब तक नहीं हो पाया है। फिर एक बार शहरी प्रगति कार्यक्रम के नाम पर बस्ती कॉलोनियों में घूमते हुए जो प्रचार किए जा रहे हैं इस पर उन्होंने अपनी भड़ास निकालते हुए विधायक श्रीशैलम गौड को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में शहरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई थी जिसका आज एक भी समाधान कारक उत्तर नहीं आए कहकर उन्होंने विधायक के कार्यों की आलोचना की। जोनल कमिश्नर ममता को फोन चेस्ते सार पट्टण प्रगतिलो డబ్బులు లేవని చెప్పడం జరిగింది। ఇప్పటిదాకా గత 3 పట్టణ ప్రగతిలో పెట్టిన దానికి అతి గతి లేదు। ఇయాల కుద్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే సోగ్గాన్ లేక తయారయ్యి మరి 3-4 కార్లు ఎంబడి పెట్టుకొని నాలుగో పట్టణ ప్రగతిలో పళ్ళు ఎలగబెడతా అని చెప్పి కాళ్ళు తిరగడం జరుగుతుంది। ఎమ్మెల్యేకు నేను ఒకటే సవాల్ చేస్తున్నా। हैदराबाद के विश्व प्रसिद्ध खैरताबाद गणेश उत्सव समिति ने इस वर्ष भी मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस बात की गणेश उत्सव समिति ने जानकारी दी। आज प्रातः गणेश प्रतिमा निर्माण हेतु कार्य पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय के आदेशों को याद करते हुए बताया कि गत वर्ष भी उत्सव के दौरान मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा को स्थापित किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं के इस्तेमाल का ही आदेश दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस माह की 24 तारीख को तेलंगाना उच्च न्यायालय में गणेश प्रतिमाओं के तैयारी पर सुनवाई होनी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार उत्सव के संबंध में स्पष्टता आने की संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता कराटे कल्याणी ने आरोप लगाया कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ सैयद शफीउद्दीन द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। यह कहकर उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की। कराटे कल्याणी ने बताया कि हिंदुओं तथा मुस्लिमों के बीच आपसी दुश्मनी बढ़ाने जैसे व्यवहार शरीफुद्दीन कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर शरीफुद्दीन इलियास के खिलाफ CCS में एक मामला दर्ज करवाया। इंत बाधपेट्टे विधंगा मैं शिवलिंगानिकी तेल्लवार लेस्ते हर हर महादेव अनि ओम नमः शिवाय अनि मैं पूजिस्तां మేమందరం పూజిస్తున్నప్పుడు అతను మాట్లాడిన మాటలు ప్రైవేట్ పార్ట్స్ తో పోల్చుతూ మాట్లాడితే ఎంత బాధపడతారో పూజ చేసే వ్యక్తులు ఎవరికైనా మనోభావాలు ఉండవా మీకు ఒక్కరికే ఉంటాయా మాకు ఉండవా అది మేము అడిగితే ఈ రోజు FIR అవ్వాలి అని చెప్పి మేము వెళ్ళామండి అపెక్స్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్ళాం సనాతన హిందూ ధర్మం వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి వచ్చారు వెళ్ళాము వెళ్ళినందుకు అక్కడ మేము ఇది ఆలోచించి చేస్తామని ఒకళ్ళు అంటారు ఇంకొకరేమో ఒక FIR ఒకదాని మీద అవ్వాలని మరి నుపూర్ శర్మ గారి మీద ఎలా అవుతున్నాయండి। एलबी नगर पुलिस थाना परिधि के NTR नगर में दर्दनाक अमानवीय घटना घटी। एक नाबालिग कन्या के साथ ड्राइवर सलीम ने 3 दिनों तक लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी पड़ोस के मकान में रहते हुए प्रतिदिन एक नाबालिग लड़की को स्थानीय दुकान जाकर आने की बात कहते हुए डराकर अपने घर में बुलाया था और वह जब भी उसे बुलाता था तब तब उसके साथ दुष्कर्म करता था। इस बात की शंका पड़ोस में रहने वाली महिला को होने से उसने इस बात की जानकारी उस लड़की के मां को दे दी। पड़ोस महिला द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जब लड़की की मां ने अपनी पुत्री से इस बात की स्पष्टीकरण मांगा तो उसने इस बात को सच बताया। इसके पश्चात लड़की की मां ने एलबी नगर पुलिस थाने जाकर बालिका के साथ हुई इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जाँच आरम्भ कर दी है। ఇప్పుడు సిగ్నల్ తీసుకురామని చెప్పేసి పంపించి ఇంటికి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి వాళ్ళ బాబాయ్ అంటే చాలా భయం ఆ పిల్లకి చిన్న పిల్ల ఆ పిల్లని బాబాయ్ అంటే భయం అని చెప్పేసి మీ బాబాయ్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఇది నాతో చేయకపోతే మీ బాబాయ్ చెప్పి కొట్టిపిస్తా మీ ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పినా నిన్ను కొట్టిపిస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళ బాబాయ్ భయం పెట్టుకొని ఆ పిల్లని వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు లేరు మధ్యాహ్నం పూట ఎవరు ఉన్నారు అందరు పనులకే పోతారు సార్ ఇది లేబర్ ఏరియా అందరు పనులకే వెళ్తారు మార్నింగ్ లేసి కొంచెం నుంచి సాయంత్రం వరకు అందరు కష్టాలు చేసుకునేటోళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇంట్లో పని చేసుకుంటుంటే బాగుంటుంది ఏదో పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు కదా అని చెప్పేసి వదిలేసినందుకు ఇంటి చుట్టుపక్కల వ్యక్తుల్లో ఇలా పిల్ల 10 సంవత్సరాల పిల్లని వదలకుండా ఇట్లా చేస్తే రేపు మా పిల్లలని కూడా మా పిల్లలకు కూడా వస్తారు।